चलिए गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ शोरूम, जो कि देख सकते हैं आप लोग, बजाज शोरूम। ये बजाज है, इसके ऊपर पे KTM का है। सजना जी मैंनु छड़ के नहीं जाना कदी। ये बगल पे भी शायद शोरूम खुलने वाला है गाइस। कुछ कुछ बाइक यहाँ पे रखा हुआ है, इससे ऊपर जाता है KTM के लिए, इधर पे बजाज का है। N160 N250 के वजह से इसको बंद कर दिया गया था, जो कि फिर पे स्टार्ट कर दिया गया है। उसे इसको वापस ला दिया गया है, पल्सर 250F, जो कि मतलब कि ये इसका स्टार्टिंग बजाज का इसी से हुआ था, स्पोर्ट बाइक पे जो बुकिंग के लिए हो गई थी। और जो ले रहा है वो बंदा है, और एक उसका ये छोटा भाई है। वे पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स का काम चल रहा है, उसके बाद देखते हैं। बुकिंग पहले पे ही करवा दिया गया था, जैसे कि नाम कुछ साह करके हैं, जो इसके पापा का नाम है। तो रूम का एक स्कैम देख सकते हैं आप लोग, ये जो जितना भी हेलमेट दिख रहा है सब आफ्टर मार्केट का है। और देख सकते हैं स्टील बट का, ये आगे वाला सिर्फ ये जो है स्टील बट का, और यहाँ पे हेलमेट देख सकते हैं चूम का है। और क्वालिटी बहुत बहुत ही ज़्यादा ख़त्म है एकदम, देख सकते हैं क्वालिटी इसका। ये बैंड भी दिख जो रहा है पूरा पूरा, मतलब कि वेट जो रहता है ना उस तरह वेट भी नहीं है, आदमी का जान के साथ ये लोग खेल रहे हैं। सब शोरूम का एक ही रूल है, हमको पता है कुछ कुछ शोरूम का जो क्या रूल है, लेकिन इस शोरूम का भी शायद वो रूल होगा, तो शायद पता नहीं। पर पे एक लड़का हम लोग का जो RS 200 लिया था, उसके साथ भी वैसा ही हुआ था, जो मतलब कि शोरूम से एक हेलमेट लेना पड़ेगा तब जाके इंश्योरेंस होगा। अगर यहाँ अगर हेलमेट ही इस तरह रहे तो इंश्योरेंस का क्या करे, जब आदमी का जान ही नहीं बच पाई सब हेलमेट से, तो इंश्योरेंस क्लेम करने वाला कौन रहेगा, घर वाला। गाइस, हमको एक ही दो कलर जो है वो अच्छा लगता है, कि ये दोनों हो गया, बस यही दोनों अच्छा है। बाकी जो अभी पहले पे आया था उसके पहले वो सब कलर फालतू था, अभी पे ये सब बहुत अच्छा है। मतलब कि शुरू से ये सब चला है अच्छा है। और था स्टील ब्लैक, वो भी अच्छा था, और ये वाइट और रेड पे आया था कॉम्बिनेशन, वो एकदम ख़त्म फालतू था। शायद पे अब शोरूम वाला भी वो हटा दिया, ये दोनों ठीक है। कलर बोल रहे थे गाइस आप लोग को जो अच्छा नहीं लगता है, मतलब कि ये 125 या कुछ है, देखना पड़ेगा, 150 है, दोनों 150 है। इसी का T20 आया था, लेकिन ये कलर एकदम भी सही नहीं लगता है, तो ये कलर नहीं निकला, उसके वजह से देख सकते हैं आप लोग ऑफर लगा दिया है। पहले पे के यहाँ पे डोमिनार 400 था जो नहीं निकल रहा था, उसमें 70,000 का ऑफ लगा दिया था, 70,000 ऑफ था उस पर। ये कलर भी अभी नहीं निकल रहा है, इसलिए इसमें भी ऑफ लगा दिया। इसे यहाँ पे वो 400 लगा हुआ रहता था, डोमिनार 400 ब्लैक कलर का BS4 मॉडल, जो कि मतलब कि नहीं निकल रहा था, जिसके वजह से उस पर 70% ऑफ कर दिया गया था। उसी के जस्ट बगल पे देख सकते हैं अब एन या कुछ है, ये एन एफ F250 लग गया, जिसपे 5,000 का ऑफ कर दिया गया है, क्योंकि ये भी अब नहीं निकल रहा है, क्योंकि इसका पापा आ चुका है वहाँ पे, देख सकते हैं T20 आ चुका है, इसलिए ये सब का अब सेल डाउन होने वाला है। ये जब जो फालतू हेलमेट रखा वो सब लेना ज़रूरी नहीं है, आप बाहर से भी ले सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ बिल यहाँ ज़रूरी है बस। पहले पे ऐसा नहीं था, पहले पे आपको यहाँ से ही हेलमेट लेना था, नहीं तो नहीं इंश्योरेंस नहीं होता। क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो RS 200 लिया था, उसके साथ भी ऐसा हुआ था, उसको फालतू हेलमेट पकड़ा दिया गया था, वाइट कलर का एकदम, मतलब कि उतना भी खास नहीं लगता था वो देखने पे, था कंपनी का था लेकिन मज़ा नहीं था उस पर। और अब पे ये रूल यहाँ पे चेंज हो चुका है, बाकी शोरूम पे पता नहीं, बाकी शोरूम पे मेरे ख्याल से अभी भी वही रूल है, लेकिन यहाँ का ये रूल सुन के अच्छा लगा। BS6 मॉडल है, इस पर बहुत ज़्यादा चेंजेस है हमको जैसे दिख रहा है पर पे, लेकिन ये अभी पे नहीं दिखा सकते आप लोग को, बाद पे इसको कंपेयर करेंगे हम लोग BS3 BS4 और BS6 के, कंपेयर करके दिखाएंगे आप लोग को जो क्या क्या चेंजेस है इस पर और क्या क्या चेंजेस है वो सब। देख सकते हैं गाइस, अभी पे ही बुकिंग वगैरह ये किया गया था, लेकिन मूड चेंज होने की वजह से अब कलर चेंज हो चुका है, रेड लेने वाला था अब ब्लू ले रहा है। ये कलर वैसे बहुत परफेक्ट है, उनको तो बहुत परफेक्ट लगता है। तब जो लुकिंग ग्लास वगैरह लगा हुआ था उससे खोल के इस पर लगाया गया, साथ में हेलमेट फ्री मिला, कोई दिक्कत नहीं। मीटर कंसोल अच्छा दे रहा है, लेकिन क्या तो यहाँ से इग्निशन ऑन करने वाले आएगा ना, ये यहाँ से अभी नीचे ले जाएगा गाड़ी को, उसका उसको कसा वगैरह जाएगा जा रहा है। इस पीछे सबको इतना कोई एक गाड़ी लेने के लिए आया है, वहाँ से नीचे आ चुका है गाड़ी सर्विस सेंटर पे, देख सकते हैं आप लोग, अभी वो गाड़ी उतरेगा, फिर ये गाड़ी चलेगा, सर तो पूरा फिट वगैरह करके उसके बाद इसको देगा।